जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, हिंदुइज्म मिथ्स एंड मिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां थी। 16,000 रानियों की कहानी क्या है? जो लोगों के पास जानकारी है और जो सत्य घटना है, इसके बीच का जो अंतर है वो क्या है? तो दोस्तों, 16,000 रानियों की जो कहानी शुरू होती है, वो शुरू होती है नरकासुर और प्राग ज्योतिषपुर से। अभी नरकासुर जो था, वो प्राग ज्योतिषपुर का राजा हुआ करता था और उसको अमर होना था। उसको 16,000 लड़कियों, 16,000 रानियों, 16,000 गोपियों की बलि देनी थी। उसने इंद्र, वायु और काफी देवताओं को अपने कब्जे में कर लिया, अपने कैद में कर लिया। और साथ ही साथ वो संतों, मुनियों और साधुओं को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया करता था, यज्ञ नहीं होने दिया करता था। जब सारे देवतागण और संत मुनि श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, तो श्री कृष्ण भगवान ने इन 16,000 रानियों को नरकासुर के कैद से छुड़ाने का बीड़ा उठाया और इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रण लिया कि वो नरकासुर का वध करेंगे। अब श्री कृष्ण भगवान की 8 पटरानियां थी, जिसमें रुक्मिणी और सत्यभामा का नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है। पहले आज की तरह गाड़ी घोड़ा ट्रेन वगैरह तो नहीं हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे रथ। तो रथ को चलाने के लिए एक व्यक्ति की या एक सारथी की आवश्यकता पड़ती थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी रानी सत्यभामा को अपने साथ सारथी के रूप में लिया और निकल पड़े नरकासुर का वध करने। और जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया, उसी दिन को हम नरकासुर चतुर्दशी कहते हैं, उसी दिन हम नरकासुर चतुर्दशी मनाते हैं। कृष्ण भगवान ने 16,000 रानियों, गोपियों, लड़कियों को मुक्त कराया। तो मुक्त कराने के पश्चात ही श्री कृष्ण भगवान के पास आई और उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, हमारे ऊपर लांछन लगेगा, हमें नरकासुर ने बंदी बनाकर रखा था, जिसके कारण हमारे घर के अपने लोग हमें अपना नहीं मानेंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं लांछन अपने ऊपर ले लूंगा, पर आप लोगों के ऊपर आने नहीं दूंगा, तुम लोगों के ऊपर मैं लांछन आने नहीं दूंगा। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम 16,000 जो रानियां, लड़कियां या गोपियां हैं, तुम आज से मेरी पत्नी कहलाओगी। दुनिया कहेगी कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां, 16,000 रानियां थी। वैसे कहना चाहिए 16,008। 16,008 क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की 8 पट रानियां तो पहले से थी, जिसमें रुक्मिणी और सत्यभामा का नाम प्रचलित है और उसके साथ साथ राधा उनकी प्रेमिका थी। तो अब लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने 16,000 शादियां की थी, हम 2-4 क्यों नहीं कर सकते? तो एक चीज समझनी पड़ेगी, श्री कृष्ण भगवान ने जो 16,000 लड़कियों, रानियों या गोपियों से विवाह किया, श्री कृष्ण भगवान ने उनकी इज्जत और उनकी लज्जा बचाने के लिए 16,000 शादियां की। अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि श्री कृष्ण ने 16,000 लड़कियों से शादी की थी, next time if somebody tells you that Krishna had married to 16,000 girls, show them this video. ये video उनको दिखाइए और उनको सत्य से परिचित कराइए। This video would be a slap to the faces of the people that try to defame Hinduism. जो Hinduism को बदनाम करने का, Hinduism को अपमानित करने का प्रयत्न करते हैं, उनके चेहरे पर ये एक थप्पड़ है। ये एक myth था जिसको हमने clear करने का, जिसको हमने समझाने का प्रयत्न किया है। अगली बार किसी मिस्ट्री को लेकर आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई मिस्ट्री समझा सके। हिंदुइज्म मिथ्स एंड मिस्ट्री का ये पहला एपिसोड था। आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको जानकारी पसंद आई है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो